नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्लीन विथ मी। क्लीनिंग थोड़ा बोरिंग वर्ड तो लगता है, बट यकीन मानिए जिस तरह से आपने ईच एंड एवरी कॉर्नर सीरीज को एंजॉय किया था, अपने घर को ऑर्गेनाइज किया था, सेम वे इस सीरीज में भी आप अपने घर को क्लीन करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका घर कब पूरा क्लीन हो गया। वो डर्टीएस्ट पार्ट भी जहां आप ऐसा इग्नोर करते थे कि आपको देखना भी ना पड़े। ये सीरीज का पार्ट मैं एवरी फ्राइडे को रिलीज करूंगी ताकि वीडियो से आपको थोड़े टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएं। साथ में आप प्लान कर सके कि जो कल सैटरडे संडे वीकेंड्स है, आपको घर का कौन सा हिस्सा साफ करना है। सैटरडे को वीडियो देखते देखते आप भी अपने घर को क्लीन कीजिए और मैं भी। इस तरह से वीडियो देखना भी हो जाएगा और उसी टाइम में आपका घर का कोई हिस्सा जगमगा उठेगा, ब्राइटन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले पार्ट का। किचन का काउंटर टॉप हम खाना बनाने के बाद दोनों या तीनों टाइम जरूर साफ करते हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हो जाते हैं जो अनटच्ड रह जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ रखी है एक टेबल जिसमें मैं रोटी का डब्बा और नीचे खाना वगैरह रखती हूँ। कपड़ा हटाने के बाद आप देख ही रहे हैं टेबल में किस तरह के दाग लगे हुए हैं। कपड़े की वजह से वो दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाया यहाँ की रियलिटी दिख गई। तो ये टेबल वीक में एक बार मैं हटा के जरूर साफ करती हूँ। यहाँ पे आप गैस की पाइप भी देख सकते हैं, थोड़ी बहुत काली तो पड़ ही गई है। इसके लिए एक सिंपल सा DIY सॉल्यूशन लिया है जिसमें सोप और डेटॉल एंड वाटर है। दीवार को और नीचे टॉप को, इवन टेबल को मैंने प्री ट्रीट कर दिया है स्प्रे करके। उसी समय पे ये जो मेरी दूध ढांकने की जाली थी, इसको भी मैंने एक थाली ली, उसमें एक ग्लास पानी डाला और इस जाली को उस पे 2-3 ड्रॉप लिक्विड सोप डाल के डिप कर दिया। अगर आपको लगता है कि जाली डूबी नहीं है तो थोड़ा पानी और डाल दीजिए। इस काउंटर टॉप को करीबन 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था। एक स्क्रब लेके इस तरह से मैं पाइप को रब कर दूंगी। अगर लगता है ज़्यादा गंदा है तो पुरानी टूथब्रश यूज़ कर लीजिए। वॉल में भी मैं थोड़ा सा स्क्रब कर दूंगी। यहाँ पे आप देखिए एक पुराना स्पून लिया है मैंने, जो शार्प एंड नहीं है वहां से हल्का सा कॉर्नर पे मैंने रब किया। इतना ऑयल वहां पे जमा था। इसी तरह बाकी का साइड भी मैंने साफ कर लिया। सूखा कपड़ा लेके कैबिनेट का बॉटम वाला एरिया, वॉल्स जो मैंने अभी रब की थी वो साफ कर दिया। यहाँ पे जहां से गैस की पाइप जा रही है वहां होल है, वहां से कॉकरोच वगैरह भी आते हैं। तो काउंटर टॉप की कलर का क्ले लिया है, ग्रीन और ब्लैक को मिक्स करके, और उसको क्लोज कर दिया। अब आते हैं इस जाली पे। 2-3 बार आप उसी में डिप कीजिए, उसका सारा कचरा लूज होके निकल जाएगा। टेबल को मैंने इस तरह से वाइप कर दिया है। एस पैटर्न से काफी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। सेम वे टेबल के नीचे भी कभी कभी छोटे जाले देखने मिल जाते हैं, उसको भी साफ करके मैंने उसकी जगह पे रख दिया। गैस की पाइप टेबल के नीचे रखी है, दबा दी है ताकि उससे इधर उधर फैले नहीं। वो एक मैट बिछा के उसमें रोटी का डब्बा और जो फूड स्टैंड होते हैं वो रख दिया। कॉर्नर खाली रखा था, दिख रहा था, तो मैंने एक छोटा सा मनी प्लांट ग्लास में लग। इस तरह से ये एरिया काफी क्लीन हो गया। क्लीनिंग के साथ जैसे कि ये मैट है, इसके धागे कुछ लटक रहे थे सिलाई वाले, उनको भी कट कर दीजिए तो टाइडीनेस ज्यादा हो जाएगा। ये जो हमने जाली भिगाई थी, इसको मैं बाथरूम के बेसिन में स्प्रे जेट से क्लीन कर दूंगी, जिससे उसका पूरा कचरा साफ हो जाएगा। अगर लगता है कि थोड़ा बहुत रह गया है तो विम बार और ब्रश से आप साफ कर सकते हैं।
जब हम एक चीज साफ कर रहे होते हैं तो उसमें यूज होने वाली दूसरी चीजें या उससे जुड़ी हुई दूसरी चीजें तो गंदी होती ही है। जैसे अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो स्पॉन्ज गंदा होना ही है, तो उसको हम वॉश करते हैं राइट, इमीडिएटली बर्तन धोने के बाद। सेम वे जैसे कि मैंने अभी बेसिन में अपना ये जाली वाला ढांकने वाला धोया, तो स्प्रे करने से बेसिन तो गंदा हुआ ही, तो क्यों ना लगे हाथ में उसको भी साफ कर दूं। नहीं होगा क्या, आप धो के सीधे किचन में आ गए, अगर मेहमान आ गए तो हमें बहुत ही ऐसे ऑकवर्ड फील होगा। अगर मेहमान नहीं भी है तो घर का कोई मेंबर ही बोल देगा कि बाप रे ये बेसिन कितना गंदा है, कैसे गंदा हुआ। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए कुछ रिलेटेड चीजें इमीडिएट साफ कर दीजिए। ये जाली बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। आपने मेरे ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में देखा था, मैं यहाँ पे एक विम बार का डब्बा पुरानी सोप के साथ रखती हूँ, एक स्क्रब के साथ, क्योंकि बेसिन गंदा हुआ है तो मैं उसको भी यहीं पे इमीडिएटली क्लीन कर दूंगी और वापस उसको वहीं हाइड करके रख दूंगी। ये जाली क्लीन हो गई है काफी अच्छे से, इसको ड्राई होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। इसी तरह से वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने के बाद उसमें इंस्ट्रक्शंस होता है कि आप वो रबर बैंड जो है अंदर का गैस्केट उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो जब मैं गैस्केट वगैरह क्लीन करती हूँ तो मैं वॉशिंग मशीन का पैनल, उसका टॉप वगैरह साफ कर देती हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम हमारे रास्ते पे होती हैं, जैसे कि हमारा गैलरी जो मेन हमारा घर का पैसेज है, वहां पे जो कर्टन है बार बार हमें उठाना पड़ता है, उसे मूव करते हैं, या फिर फ्रिज का हैंडल, टीवी का रिमोट, ये सारी चीजें बार बार हाथ लगने से गंदी होती हैं कंपेयर टू दूसरी चीजें। हमें अपनी उन पे आंखें रखनी होंगी कि कौन सी चीजें गंदी हैं। अगर वो गंदी दिख नहीं रही है तब भी, अगर गंदी है तो दे नीड क्लीनिंग। ये मेरा कॉमन पैसेज है जहाँ पे बाकी के रूम में जाने का रास्ता है। तो ये कर्टन बहुत गंदा होता है बार बार हाथ लगने से, आप धुला हुआ और बिना धुला हुआ पर्दा कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो गंदा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको एवरी 15 डेज में चेंज करती हूँ। मैं जब भी कर्टन खरीदने जाती हूँ ड्राइंग रूम के लिए, तो अगर मुझे 5 की जरूरत है तो मैं 6 लेके आती हूँ और वो एक्स्ट्रा कर्टन्स को गंदे कर्टन से रिप्लेस कर देती हूँ। कर्टन्स यहाँ वहाँ ना खिसके, स्पेशली ये कॉमन एरिया अगर ये खिसकता है तो अंदर का पूरा रूम दिखता है, तो इनको मैं कॉर्नर पे बांध देती हूँ। तो अगर आप उसको खींचेंगे भी ना तो भी वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर आपको हटाना है तो उसको फिर टाई कर दीजिए। इस कर्टन के बाजू में मेरा वर्क स्टेशन है जहाँ पे मैं अपना लैंडलाइन फोन, और इस कैबिनेट में स्टूडेंट्स की बुक्स वगैरह, और ये मेरी सिटिंग चेयर है। इस अलमारी को मैं लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में खिसका के पीछे की तरफ जरूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट और छोटे छोटे जाले इकट्ठे हो जाते हैं। पहले इनको मैं झाड़ू से दीवार का जो स्पाइडर नेट है, नीचे की डस्ट झाड़ू से ही हटा देती हूँ और फिर पोछा लगा देती हूँ। 5 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। मीनवाइल जो अलमारी है उसके पीछे भी तो जाले हैं, साइड में थोड़े पेंट के छींटे भी पड़ गए थे तो उनको भी मैंने एक हल्का गीला कपड़ा करके वाइप कर दिया और वो जगह सूख गई, तो अलमारी को खिसका के उसकी जगह पे रख दिया। इस तरह से क्लीनिंग दीवार के पीछे भी जरूरी है, वो नहीं दिख रही है तो भी। लैंडलाइन फोन के चेयर पे जो कपड़ा था उसको भी मैंने चेंज कर दिया, सारी चीजें वाइप कर दी, फोन भी वाइप कर दिया। ये जो ट्रे थी ये मेरे बेटे ने फूड चैन की एक्टिविटी बनाई थी, काफी अच्छा उसने पेंट किया था, तो मैं यही ट्रे फोन रखने के लिए यूज करती हूँ। इस तरह से चीजें वाइप करने से ही काफी नया सा लुक देने लग जाती हैं। चेयर भी वाइप कर दीजिए, वैसे तो मैं उस पर डेली बैठती हूँ तो साफ हो ही जाता है, लेकिन फिर भी। इस अलमारी के ऊपर एक मैंने कपड़ा बिछाया है, उसका ऑर्गेनाइजर मैंने धोने के लिए डाल दिया,
बोर्ड रख दिया। इस बोर्ड की जो बाउंड्री थी बॉटम वाली और टॉप वाली, उसमें भी बहुत सारी डस्ट इकट्ठा हो गई थी और मैंने नोटिस भी नहीं किया। आप ही देखिए, केजी के बराबर तो डस्ट है ही। यहाँ पे मैं अपनी डायरी, अटेंडेंस की नोटबुक, ये सारी चीजें रखती हूँ और उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजर जिसमें पेन वगैरह है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। थैंक यू।